दिवाली की जगमगाहट, पटाखों की रंगीन रोशनी और धमाकों के बाद जब दुनिया आपको रूबरू करा रही है एक और दिवाली से, जिसमें रोशनी है, धमाका है, लेकिन साथ ही है युद्ध और जान का खतरा भी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गौतमपुरा क्षेत्र में खेले जाने वाले हिंगोट युद्ध की। जी हाँ, अपनी इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बता रहे हैं कि अपनी परंपराओं में अंधविश्वास की हद तक आस्था कई बार कितना खतरनाक रूप ले लेती है। हिंगोट युद्ध के लिए कटीली झाड़ियों में लगने वाले हिंगोट के फल के अंदर बारूद भरा जाता है, फिर इसे देशी रॉकेट का रूप दिया जाता है। यह युद्ध दो समूहों कलंगा और तुर्रा के बीच खेला जाता है। युद्ध में दोनों समूह अंधाधुंध रूप से एक दूसरे पर हिंगोट बरसाते हैं। इस अग्नि युद्ध में हर बार 40 से 50 लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग युद्ध को गांव की शान समझते हैं और इसे बंद करने की बात से ही चिढ़ जाते हैं। इसके ये परंपरा जो पुराने जमाने से चला आ रही है, इसका क्या बोले, झाड़ होता है इसे 1.5 महीने पहले तैयारी करना पड़ती है, कम से कम 1 महीना लगता है इसमें सही करने में, इसके बाद में हिंगोट युद्ध चालू होता है। यह युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन हर साल दिवाली के दूसरे दिन शाम 5 बजे से लोग इस युद्ध को खेलने के लिए मैदान में डट जाते हैं। फिर यह युद्ध तभी समाप्त होता है जब तक आखिरी हिंगोट खत्म न हो जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक व्यक्ति हजारों हिंगोट तैयार करता है। नवरात्रि के टाइम से हम जंगलों में जा के यहाँ पे हिंगोट वगैरह ढूंढते हैं और कांटेदार झाड़ में से हिंगोट तोड़ के लाते हैं, फिर उसमें दोनों साइड हाथ से छेद करते हैं। करीब हम एक एक जना करीब 5-5, 6-6 हजार हिंगोट भरते हैं। इस साल मैंने 6 हजार हिंगोट भरे थे। हिंगोट खेलने ही नहीं, बनाने की प्रक्रिया भी बहुत खतरनाक होती है। साथ ही इस युद्ध को खेलने से पहले योद्धा जमकर शराब पीते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। युद्ध के समय यहाँ भारी मात्रा में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी घायलों की संख्या हर साल बढ़ रही है। एक बार घायल होने के बाद भी खिलाड़ी युद्ध करना नहीं छोड़ते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, 1-1.5 महीने के लिए पूरा इसमें टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पिछले साल भी उतरा था तो मेरे को यहाँ पे लग भी गई थी, टाके भी आ गए थे पास से, फिर भी मैं इस खेल को खेलता हूँ। इस बार हिंगोट खेलते खेलते एक व्यक्ति के झोले में आग लग गई थी। झोले में काफी हिंगोट थे, यदि वह समय पर झोला न फेंकता तो उसकी जान भी जा सकती थी। परंपराओं पर विश्वास कर अपनी जान पर खेलना, इस तरह के खेल को आप कितना जायज ठहराते हैं हमें जरूर बताइए।